जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लोहा मनवाते हुए हरियाणा का एक जवान शहीद हो गया है। बुधवार शाम को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया था। इसी हमले में हरियाणा के बादली की खेड़ी जट के सीआरपीएफ जवान रमेश कुमार शहीद हो गए। जैसे ही रमेश कुमार के शहीद होने की सूचना मिली तो पूरे गाँव में मातम पसर गया। आज शाम तक शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच सकता है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दी जा रही है, अनंतनाग में हरियाणा का जवान शहीद हो गया है और भारत मां की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए। बुधवार को दक्षिणी कश्मीर में मुठभेड़ हुई थी और बादली के खेड़ी जट गांव के रहने वाले एएसआई रमेश कुमार शहीद हो गए। सीआरपीएफ की 116 बटालियन में ब्रावो कंपनी में वो तैनात थे और अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके परिवार वालों का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। महिला कॉलेज अनंतनाग के पास ये हमला हुआ था। हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, 3 लोग घायल हुए थे और उन 5 जवानों में से एक है हरियाणा का बेटा और उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक जो है उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव पहुंचा दिया जाएगा।